झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ओडिशा में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की कम बारिश की वजह से धान की खेती प्रभावित हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास ने कहा है कि ओडिशा में मॉनसून के दौरान 1 जून से 30 जून तक 131.3 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि राज्य की स्वाभाविक औसतम बारिश 217.7 मिलीमीटर से 40% कम है। इस साल राज्य के सभी 30 जिलों में स्वाभाविक से कम बारिश हुई है। वहीं दास ने कहा कि प्रदेश में कम बारिश के कारण धान के उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उमा शंकर दास ने बताया कि ओडिशा में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान 1 से 30 जून के दौरान स्वाभाविक औसतम बारिश 217.7 मिलीलीटर से 40% कम दर्ज की गई। वहीं आंकड़ों के मुताबिक इस साल 30 जून तक केवल 131.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बता दें कि मॉनसून के दौरान ओडिशा के सभी जिलों में औसतम बारिश से कम बारिश दर्ज की गई है। यही नहीं बल्कि राज्य के 8 जिलों में स्वाभाविक औसतन से 50% कम बारिश हुई है। इन जिलों में पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, झारझुगड़ा, सूरजगढ़, नवरपुर, सुरभा, वहीं भद्रक और बालांगीर का नाम शामिल है। वहीं बता दें कि दास ने कहा कि ओडिशा के समुद्र तटीय जिले पुरी में इस वर्ष मॉनसून के समय कभी भी झमाझम बारिश नहीं हुई, जिनके कारण पुरी जिले में स्वाभाविक से 80% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बता दें कि केंद्रपाड़ा, सुरंदरगढ़ और जगत सिंहपुर जिले में औसतम से 60% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि दास ने कहा कि कम बारिश के कारण इन जिलों के किसान अपनी फसल को लेकर परेशान है। अगर आगामी दिनों में जिले में झमाझम बारिश नहीं होती है तो किसान की धान की उत्पादन नुकसान इनको पहुंच सकता है। हालांकि दास ने कहा कि करीब 10 जुलाई के आसपास एक लघु चाप बनने की संभावना है। उम्मीद है कि प्रदेश में किसानों को इस बारिश से लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में औसतम से कम बारिश में गिरावट भी आएगी। वहीं बता दें कि सुद्रा जिले के एक किसान ने कहा कि मॉनसून के दौरान जिले में औसतन से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अभी धान की खेती का समय है और धान की बुआई के लिए खेतों में पानी होना अनिवार्य है। वहीं कई स्थानों पर खेतों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। ऐसे में धान की पैदावार पर इसकी मार पड़ सकती है। हमारा जीवन खेतों में फसल की पैदावार पर निर्भर करता है। खेतों में फसल को नुकसान होने पर दैनिक जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है। मैं बता दें कि एक किसान ने ये कहा कि खेतों में करीब करीब धान की बुआई का काम हो गया है, लेकिन अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारा धान का पौधा बर्बाद हो जाएगा। राज्य में मानसून की बेरुखी बारिश की वजह से धान की खेती प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।